गुड आफ्टरनून। आज आप लोग को एक्सेल शीट के बारे में बताया जाएगा कि एक्सेल शीट है क्या, इससे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि एक्सेल शीट है क्या, एक्सेल शीट कैसे बनता है और क्या से बनता है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले कि इस लाइन को देख रहे हैं, ए लाइन दिख रहे हैं, ये जो लाइन है खड़ा लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और ये जो लाइन है पलटा हुआ ए लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ये बीच में, क्या ये बीच ये दिख रहा है बॉक्स, जिसको बोलते हैं बॉक्स। ये बॉक्स कैसे निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। क्या सेल? सेल एक जाल की तरह होता है, देख रहे हैं इसमें, इसमें जाल की तरह है, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब जाल है, यानी कि डब्बा की तरह होता है, ठीक है। तो इससे ही हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेल शीट में कैलकुलेट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताएंगे अभी कि रो एंड कॉलम, रो ए, रो एंड कॉलम, ये देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया कॉलम, ए हो गया रो, यानी कि रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल का निर्माण होता है, जैसे कि बॉक्स, जैसे निर्माण अभी करेंगे कैसे सेल का। तो देखिए कॉलम ले लिए, एक खड़ा जो होता है इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है, और इधर से एक रो ले लिए, और इधर से रो ले लिए, अब यहाँ से एक और रो ले लिए, और यहाँ से भी रो ले लिए। देखिए यहाँ पर जो ये बॉक्स तैयार हुआ, जो ये बॉक्स तैयार हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। The intersection रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, इज कॉल्ड सेल। अब हम लोग जानेंगे, सेल तो मालूम हो गया, ठीक है, अब जानेंगे कि हमारा सेल जो तैयार तो हो गया, अब इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, और जानेंगे कि हमारा कॉलम और रो कितना होता है, कॉलम और रो कितना होता है। देयर आर, क्या देयर, देयर आर रो और देयर आर कॉलम। तो अब बताएंगे रो कितना होता है, मालूम है किसी को रो कितना होता है, मालूम है? अच्छा आप बताएंगे कितना होता है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं 10,48,500 कितना होता है? 76। इतना ही होता है ना, इतना ही होता है ना। चलिए ये आपका रो हो गया, क्या हो गया? रो। ये देखिए ये लाइन, ये जो लाइन आपका है ना, ये लाइन एक्सेल शीट में कितना होता है? 10,48,576 होता है। अब हमारा कॉलम, क्या कॉलम? ए वाला लाइन, कौन सा? ए वाला लाइन, ये लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन हमारा कितना होता है, ठीक है ना। तो क्या अथर आप बता सकते हैं कितना होता है? नहीं, चलिए हम बताते हैं यहाँ पर 60,384 होता है। कितना होता है? ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम जो खड़ा होता है ना इसको बोलते हैं कॉलम। और ये देखिए ये जो है कॉलम है, ये कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, इसको हम लोग बोलेंगे कि देयर आर, हमारा जो कॉलम होता है 16,384 कॉलम, और रो होता है मेरा 10,48,576। समझ आ गया? अब उसके बाद अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? कैलकुलेट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप लोग सभी को यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर सेल है, ठीक है, और सेल है और कॉलम के साथ आपका रो के साथ मिलकर सेल का निर्माण हुआ है, तो उस तरह से हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक सेल एड्रेस होता है, क्या होता है? सेल एड्रेस, जिसको बोलते हैं सेल एड्रेस। देखिए सेल एड्रेस हम किसको बोलेंगे, सेल एड्रेस किसको बोलेंगे? अब मान लीजिए ये बॉक्स है, क्या है? बॉक्स। इस बॉक्स का नेम होता है, क्या होता है? नेम। यहाँ पर नेम को क्रिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस कैसे होगा? देखिए यहाँ पर कॉलम में मान लीजिए इसको हमको सेल एड्रेस निकालना है, इसको सेल एड्रेस निकालना, तो कैसे होगा? तो हमारा कॉलम कौन सा में है? कौन सा है? सी। कौन सा है? सी। और हमारा रो कितने में है? 4। यानी नंबर से ये क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे C2। क्या लिखेंगे? C2। ये हमारा सेल एड्रेस हो गया। C4 सर। ओह सॉरी 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 भाई मिस्टेक, ये 4 हो गया, इसको बोलेंगे C4। क्या बोलेंगे? C4। ये हमारा सेल एड्रेस, क्या हुआ? सेल एड्रेस। आप देखेंगे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर इसको सेल एड्रेस निकालना है,
इसको सेल डिटेल्स जानना है तो कैसे जानेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा ए कॉलम में कौन सा है ई, कौन सा है ई, और ए रो में कौन सा है सिक्स, तो इसको क्या लिखेंगे E6. क्या लिखेंगे E6. तो आपको समझ आया कॉलम किसको बोलेंगे, रो किसको बोलेंगे, हमारा कॉलम कितना है, हमारा रो कितना है, और हम सेल एड्रेस किसको बोलेंगे। अब हम लोग चलेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इन एक्सेल शीट, अब एक्सेल शीट में कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इस सेल में 10 लिख दिए, और इस सेल में 20, और इस सेल में 40, ठीक है, और इस सेल में हमको काउंट करना है, इस सेल में क्या करना है काउंट, क्या करना है काउंट। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को इस सेल एड्रेस का नाम लिखना होगा, क्या होगा इस सेल एड्रेस का नाम लिखना होगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है सबसे पहले इक्वल, क्या इक्वल, जो बराबर होता है, ठीक ना, इक्वल लिखेंगे और सम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सम लिखेंगे, और ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन हुआ, और उस सेल का नाम देंगे, उस सेल का जिस सेल को हमको कैलकुलेट करना है काउंट करना है। तो हमारा सेल देखिए ये है, ठीक ना, ये है और ये में है, और ये कौन सा नंबर है वन, इसमें क्या लिखेंगे A1, क्या लिखेंगे A1, ठीक है, A1 इसलिए लिखते हैं और दोनों को मिलाकर, क्योंकि दोनों से निर्माण होता है एक सेल का, ठीक ना, ये सेल का निर्माण हुआ इसलिए दोनों का नाम लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर प्लस देंगे, क्या देंगे प्लस, हमारे ये सेल का नाम हो गया, और इस सेल का, ये सेल का हमको काउंट करना है इसको ना। तो देखिए बी क्या आएगा, B1, क्या देंगे B1, प्लस कर देंगे, अब हमारा इस सेल को काउंट करना है C1, तो इसको देंगे C1, क्या देंगे C1, और ब्रैकेट ऑफ और प्रेस प्रेस इंटर क्लिक करेंगे कीबोर्ड से ENTR इंटर, और आपका यहाँ रिजल्ट कितना आ जाएगा 70। तो आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई एंड सबट्रैक्शन। तो आप लोग सभी को इसको बना याद कर लेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।